हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने जो यूट्यूब चैनल कुकिंग विद तहरी है, इसमें आप सीखेंगे कि आप घर में किस तरीके से पिज़्ज़े की डो को घर में बना सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप पिज़्ज़ा लवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, और आप घर में भी पिज़्ज़े की डो को बनाएँ, और पिज़्ज़ा जब भी आपका दिल करे पिज़्ज़ा खाने का आप बना लें। तो इसके लिए हम क्या करनी पड़ेगी, आपको मेरी रेसिपी को फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमें सबसे पहले इसके लिए क्या चाहिए जी, 3 कप हम लोगों ने ले लेना है मैदा। ठीक है, 3 कप मैदा को हम लेंगे, और इसमें आप लोगों ने साथ डालनी है 3 चम्मच जो है वो हम इसमें दही शामिल करेंगे। 2 हम इसमें चम्मच जो है वो शुगर ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हम लोगों ने ऐड कर दी। 1 चम्मच हम इसमें ईस्ट की हम इस्तेमाल करेंगे, 1 चम्मच। 1 एग और 1/2 स्पून इसमें शामिल कर देंगे जी सॉल्ट की, नमक की, और इसको मिक्स करेंगे। इसमें आप तकरीबन आपको चाहिए होगा 1.5 कप जो है वो आप लोगों ने दूध, नीम गरम दूध आप लोगों ने लेना है, ठंडा दूध नहीं लेना, नीम गरम होना चाहिए दूध, वो आप लोगों ने ले लेना है, और इस तरीके से आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है। तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बिल्कुल आपने इस स्टेप्स को फॉलो करना है, तभी आपकी जो डो है वो अच्छी बनेगी। और साथ आप लोगों ने शामिल करना है तकरीबन 2 चम्मच आप लोगों ने इसमें कुकिंग ऑयल के, वो भी शामिल करने हैं, और फिर अच्छी तरीके से मिक्स करना है। डो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही बनानी है जैसे कि आप घर में आटा गूंथते हैं, ठीक है, उस तरीके से बस। लेकिन इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि नीम गर्म हम लोग इसमें दूध शामिल करेंगे इस तरीके से। आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके जो है ना इसमें मिल्क ऐड करना है, ताकि हमारी डो जो है वो बहुत पतली भी ना हो। डो अच्छी बन गई तो आपका पिज़्ज़ा जो है वो भी बहुत अच्छा बनेगा। इस तरीके से आप लोगों ने अच्छे से इसको डो बनानी है, और बिल्कुल इसी तरीके से गूंदना है जैसे आप आटा जो है वो घर में गूंदते हैं रोटियों के लिए, ठीक है। इस तरीके से तरीके से आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। ये तकरीबन हमारी डो तैयार हो गई। आपने इसको पिज़्ज़ा बनाने से पहले 3 घंटे पहले आप लोगों ने इसको बना लेना है। गर्मियां हैं तो 1 घंटा पहले, अगर सर्दी हैं तो फिर 3 घंटे, ठीक है। चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।